आई थिंक अब वॉइस आनी चाहिए आप लोगों को। आज का निबंध हमारा साइबर अपराध क्या है, इस पर हमें डिस्कस करना है। आज का निबंध साइबर अपराध पर है, ठीक है? सब लोग आ गए होंगे तो इसका एक बार ड्राफ्टिंग फिर से कर लेते हैं। ओके, जैसा मैंने बताया, सबसे पहले आप एक मूवी का कोई दृश्य बता सकते हैं, जो मूवी आपने कंप्यूटर बेस्ड देखी होगी, या फिर सीधा इसका मीनिंग हिस्ट्री से स्टार्ट कर सकते हैं कि ये टर्म कहाँ से आई है ना। इसके बाद थर्ड फेज पे हम इसका मीनिंग बताएंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है साइबर अपराध का। फिर इसके टाइप पर चर्चा करेंगे। टाइप के बाद ये हमारे जीवन में, लाइफ में कहाँ तक एक्सपेंड हुआ है, कहाँ तक फैला हुआ है, इंटेंसिटी क्या है वो देखेंगे। सरकार के प्रयास क्या है और हमें क्या उपाय करने चाहिए, उस पर भी हम बात करेंगे। और अंत में निष्कर्ष करते हुए समाप्त करेंगे। तो लगभग 7 या 8 हेडिंग्स या पैराग्राफ्स आपके इसमें आने चाहिए। ओके, सो हम शुरू कर रहे हैं आपका टॉपिक। इसके जन्मदाता कौन है? तो ये शब्द विलियम गिब्सन ने बनाया। विलियम गिब्सन, ये उसने बनाया हुआ है, ठीक है? तो बहुत सिंपल और सरल शुरुआत है, आसानी से कोई भी कर पाएगा आप में से। और उसने कहा कि एक ऐसी आजाद दुनिया, आप लिखते जाएं साथ साथ, एक ऐसी आजाद आजाद दुनिया जहां बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जिन्हें ना तो देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है, टच किया जा सकता है। यह है तो आभासी दुनिया, आभासी का मतलब डिजिटल, सॉरी हिंदी में आभासी, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वर्चुअल, राइट राइट, वर्चुअल, बिल्कुल ठीक है, आभासी दुनिया जिसने वास्तविक जगत को क्रांतिकारी ढंग से प्रभावित किया है। जिसमें अपार संभावनाएं हैं, और सुविधाएं भी, जिसके बिना आज की दुनिया संभव प्रतीत नहीं होती, ठीक है? तो बेसिकली गिब्सन साहब ने शब्द दिया था साइबर स्पेस, ठीक है? तो हमने साइबर स्पेस को ही प्रस्तावना के रूप में यूज किया है। अब हम इसमें लिख सकते हैं, इस स्पेस में ऐसे लोग भी प्रवेश कर गए हैं जो अवांछित हैं या इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, ना केवल दुरुपयोग बल्कि दूसरों को हानि भी पहुंचा रहे हैं। क्लियर है बात? ठीक है। उसके बाद एक पैराग्राफ आप इंटरनेट कहाँ कहाँ यूज हो रहा है हमारी लाइफ में, ये सब दिखा दीजिए। भले ही 2 लाइन आपके सामने मैंने लिखी हैं,
लेकिन आपको ये कम से कम 7-8 टाइम में कन्वर्ट करना है, तो आई थिंक कर लोगे, मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी आपको। मेघा, आशा, ज्योति, तो एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, बीच में आवाज कट गई थी। अच्छा, कहाँ से आप रिपीट करना है? सर, ये जो आप बता रहे थे आज के समय में इनको कितने वर्ड में कन्वर्ट करना है? करीब 7 या 8 लाइन में कन्वर्ट करना, बढ़ा लोगे ना, इसको एक्सटेंड करना है तो इजी है। यस सर, यस सर। आपको ये बढ़ाना, ये वाला पार्ट, हर क्षेत्र वाला, और जैसे ही बढ़ा के दिखा दोगे तुरंत कहाँ जाओगे, साथ में साइबर अपराध। ठीक है, मतलब बिना बिना इंटरनेट के जीवन संभव नहीं है, कहाँ कहाँ हम इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, सब चीज, मतलब सोने से लेकर जागने तक, खाने से लेकर दौड़ने भागने तक, जीवन में हर चीज हमारा इंटरनेट है, इस तरह से दिखाना है। ठीक है, और उसी के समानांतर विकसित हुआ है अपराध की अवधारणा, उसी के पैरेलल। ठीक है, जो कि सामान्य अपराधों से ज्यादा भयावह हैं, ठीक है, ज्यादा विस्तृत हैं, और नियंत्रण करना आसान नहीं होता, क्योंकि जो कर रहा है उसकी डिजिटल पहचान है। सर, हाँ बोलिए। शुभ सर, थोड़ा सा फास्ट हो रहा है सर। चलो कोई बात, कहाँ से हुआ है फास्ट वो बता दो। सर, ये आपके साइबर अपराध की अवधारणा के बाद से ही, मतलब। अरे भाई, मैं आपसे उम्मीद ये कर रहा था कि जो लाइन मैंने अंडरलाइन की है, आपको इसे थोड़ा विस्तृत करना है, तो इंटरनेट जी जी वो तो समझ में आ गया सर। बस ठीक है, उसके बाद ही दिखाना है कि जैसे जैसे क्षेत्र विकसित हुआ है उसी के अनुपात में अपराध भी आए हैं। ये अपराध विस्तृत हैं, बड़ा क्षेत्र कवर करते हैं, प्रभाव में विनाशकारी हैं, और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, और इनको पकड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि ये डिजिटली हैं। जो भी कर रहा है उसकी पहचान कैसी है? डिजिटल पहचान है। अब ठीक है? हाँ जी सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब सीधा सीधा डेफिनेशन पर आ जाएं कि साइबर अपराध क्या होता है। तो जाहिर सी बात है, कंप्यूटर के बिना नहीं होगा। कंप्यूटर का मतलब यहाँ मोबाइल से भी है, और उसका नेटवर्क, नेटवर्क में कौन आ जाएगा? इंटरनेट आ जाएगा। तो दोनों चीजें, मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, ठीक है, इनका अवैधानिक प्रयोग या इस प्रकार से प्रयोग कि दूसरे को परेशान किया जा सके और जानबूझकर ऐसा किया जा रहा हो, और ये परेशानी शारीरिक भी हो सकती है और मानसिक भी हो सकती है, या प्रतिष्ठा की भी हो सकती है। ठीक है, अब इसमें ध्यान देने वाली चीज ये है कि इस अपराध को हम इलेक्ट्रॉनिक अपराध कहते हैं। तो जब जैसे इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे तो इसमें कंप्यूटर, उसका हार्डवेयर, उसका सॉफ्टवेयर है ना, मोबाइल, लैपटॉप, सब कुछ शामिल हो जाएगा। इसलिए हमने इसको ई क्राइम भी कहा है, इलेक्ट्रॉनिक अपराध कहा है। ठीक है, जिसकी परिभाषा नीचे विस्तृत करके दी गई है आपके लिए। ओके, ठीक है, चलो जब इतना समझा दोगे तो उसके बाद समझाना, इस अपराध को हम दो तरीके से समझ सकते हैं, ये कोई लीगल परिभाषा नहीं है, है ना, तरीकों वाली। तो आप आगे देख रहे होंगे,
कैसे दो तरीके हैं, जहां कंफ्यूजन हो बता देना, ठीक है। नंबर एक, नंबर एक कैसे कि कंप्यूटर को ही यूज करके नुकसान पहुंच, किसी को हानि पहुंचा दो, कैसे, उसमें जो नॉलेज है उस नॉलेज को चुरा लो, हैकिंग हो गई, ठीक है, फिर उसे हानि पहुंचाएं, या उसके कंप्यूटर को ही इन्फेक्टेड कर दें यानी वायरस डाल दें, समझो बात को यहां पर, कि कंप्यूटर को ही डिस्टर्ब करके हम सीधा क्राइम कर रहे हैं, ठीक है, यानी इससे कोई भौतिक प्रयोग, हथियारों का प्रयोग नहीं दिखाई देगा इसमें, हथियार मतलब परंपरागत हथियार, एक तरीका तो ये हुआ। एक तरीका दूसरा है, और वो क्या है, जहां कंप्यूटर का प्रयोग करके किसी तीसरे पक्ष को भौतिक रूप से हानि पहुंचाई जाए, जैसे कंप्यूटर का प्रयोग करो और आप आतंकवादी घटना को अंजाम दे दो, कंप्यूटर का प्रयोग करके अपने आतंकवादी विचारों को बढ़ावा दिलवा दो, किसी की जान क्रेडिट कार्ड का यूज कर लो, तो ये भौतिक हानियां होंगी इसमें, क्लियर है। तो इसमें भौतिक हानि का मतलब आपको अपराध तो होता दिखेगा लेकिन प्रत्यक्ष हानि नहीं दिखेगी कोई भी, जैसे किसी का मर्डर हुआ तो मर्डर दिखता है ना, लेकिन किसी को गाली दे दो तो वो दिखेगी नहीं उस तरीके से, धमकी दे दो किसी को, तो हैकिंग और वायरस कुछ वैसे ही प्रकार है। तो एक तो कंप्यूटर को डिस्टर्ब करके हानि पहुंचाए, दूसरा कंप्यूटर का प्रयोग करके कोई भौतिक हानि पहुंचाए, क्लियर है यहां तक, ठीक है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि जिस तरह से ग्लोबल वर्ल्ड में हर चीज हाईटेक हो रही है, अपराध भी हाईटेक हो गया है, और यही हाईटेक अपराध क्या है, हमारा साइबर अपराध। और इतना ज्यादा बढ़ गया है कि माना जाता है कि 90% तक की वृद्धि आई है। अब 90% की वृद्धि अचानक से क्यों हुई है, क्योंकि हमारे जीवन का 90% पार्ट, 90 क्या 99% पार्ट किससे जुड़ गया है, साइबर से जुड़ गया है, कंप्यूटर से जुड़ गया है। उदाहरण के लिए आप एग्जांपल देंगे किसका, आधार कार्ड, कि अब जीवन में हम कोई भी काम करते हैं हमें क्या चाहिए होता है, आधार चाहिए होता है, हम कोई भी काम करते हैं हमें क्या चाहिए होता है, मोबाइल चाहिए होता है, क्लियर है यहां तक। तो ये अपराध का हाईटेक रूप है, इसलिए उसमें लोग भी कुछ उसी तरीके के हैं, ये लर्निंग फेज था बच्चों का, और इस फेज में लर्निंग उन्होंने क्या सीखा, अपराध सीखा। यानी जो पीढ़ी साइबर स्पेस के टाइम में पैदा हुई भारत में, कम से कम वही पीढ़ी आज इसका सबसे बड़ा कैरियर है क्राइम का, ठीक है। या तो कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट, नो सर, चलो आप देखेंगे किस तरह का साइबर क्राइम हो रहा है। इन सबको डिटेल में समझाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको इन सब की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और ध्यान रखना ये टेक्निकल टॉपिक है, इसलिए आपकी टर्म भी कैसी होनी चाहिए, टेक्निकल होनी चाहिए, बहुत जरूरी है जो आप आगे देखेंगे। हाँ, अगर हम साइबर क्राइम के क्षेत्रों की बात करें तो कुछ अपराध संपत्ति के विरुद्ध होते हैं, कुछ सरकार के विरुद्ध होते हैं, और कुछ व्यक्ति विशेष के विरुद्ध। तो जनरली इनको इसी तरह से कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। तो जब ये लिख रहे होगे तो थोड़ा सा यहां अच्छे से लिखना है इस चीज को, समझ गए। इनमें से कोई ऐसी टर्म जो आपको नहीं पता हो, ब्रैंक फ्रॉड है, डाउनलोडिंग है, इसको हम पायरेसी भी बोलते हैं, इलीगल पायरेसी, पायरेसी जो होती है, पायरेसी कह सकते हैं इसे हम, वसूली हो सकती है, पहचान की चोरी हो सकती है, सोशल साइट पर हम उसका यूज करते हैं,
आतंकवादी साइबर हमले कराते हैं, हैकिंग भी है, सेना से संबंधित जानकारियां है, महिलाओं को परेशान करना है, पोर्नोग्राफी है, ये सब आप देख रहे होंगे कि साइबर क्राइम के क्षेत्र हैं। यहाँ कोई समस्या? मुझे लगता है कि सामान्य है ना, लेकिन आप यूज जरूर करें, सामान्य भाषा का यूज नहीं होगा इस निबंध में। अब इन शब्दों के साथ इन शब्दों का प्रयोग करना, जैसे वेब हाईजैकिंग, साइबर स्टॉकिंग, इतना डिटेल नहीं लिखना है आपको वहां पर, केवल इनका उल्लेख भर करना है, क्योंकि कई लोग आप में से शब्द सीमा कम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सीख लें कि शब्द सीमा कम कैसे की जाती है, कि उस चीज का केवल उल्लेख कर दो वहां पर, डिटेल मत बताओ। ठीक है, तो वेब हाईजैकिंग आप जानते हैं कि आपकी वेबसाइट को कंट्रोल कर लिया जाता है ना। स्टॉकिंग क्या है? किसी व्यक्ति को फोन करके, है ना, उसकी सूचनाओं को फॉलो करके, उनके डॉक्यूमेंट्स को छेड़छाड़ करके, इसको साइबर स्टॉकिंग कहते हैं। स्टैकर, कि कोई काम, अगर व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो उसकी सूचना प्राप्त कर लेते हैं लोग और उसे फिर ब्लैकमेलिंग करते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, स्टॉकिंग बोलते हैं इसको। तो स्टॉकिंग बेसिकली एक तरह का किसी के इलीगल काम को पता करके उसे ब्लैकमेल करने जैसा है। ठीक है, स्टॉकिंग, यहाँ स्टोकर लिखा है, आपको स्टॉकिंग लिखना है। ओके, फिर आया सर्विस अटैक। कुछ नए टर्म्स हैं, ये भी आप देख लें। सर्विस अटैक का मतलब, जब आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो, मोबाइल यूज कर रहे हो, तो उसे हैंग कर दिया। ठीक है, इस तरह से सर्विस अटैक, जैसे मैंने कहा बहुत टेक्निकल है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा डिटेल की आवश्यकता नहीं है। ओके, वायरस अटैक, आप जानते हो कि वायरस क्या है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो अनवांटेड होता है और जहां पहुंच जाता है वहां अपनी रेप्लिकेशन बनाकर अननेसेसरी स्पेस को कवर करता है, आपके ऑपरेशंस को स्लो कर देता है। ठीक है, तो ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर कहते हैं, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर होते हैं, मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इनके कुछ नाम आप लिख देंगे, ट्रोजन हॉर्स, टाइम बम, लॉजिक बम, ये सब नाम रहे हैं। ओके, ठीक है, सॉफ्टवेयर पायरेसी की बात करते हैं। विंडो की जो कॉपी होती है ना, विंडो 9, विंडो 10 या 7 की, हम लोग फॉल्स कॉपी डाउनलोड कर लेते हैं, क्योंकि ऑनलाइन करेंगे तो हमें पेमेंट करना पड़ेगा, तो कई बार सॉफ्टवेयर भी चुरा लिए जाते हैं। इन सॉफ्टवेयर में ही क्या है, कंप्यूटर सोर्स होते हैं। मैं फिर कहूंगा ये सब चीजें टेक्निकल हैं, बहुत ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए आप केवल टर्म को लिखें और छोड़ दें माल बस, क्योंकि आप डिटेल में जाऊंगा तो टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा और जो लोग नॉन टेक्निकल उनकी समझ में भी आने वाली सारी चीजें। ठीक है, अगर फिर भी आप चाहते कि मैं स्पेसिफाई करूं तो आप मुझे बता देना, मैं समझा दूंगा उस चीज को, क्योंकि हमें कंप्यूटर नहीं पढ़ना है, हमें उससे संबंधित केवल कुछ टर्म्स को स्टडी करना है इसमें। ठीक है, अगला है सलामी अटैक। ये बहुत अच्छा, मतलब अच्छा बोले तो बहुत ही यूनिक टाइप का अपराध है, कि हर माह हर व्यक्ति के अकाउंट से अगर 1 रुपया कटता रहे तो आप सोचो 1 रुपया कट गया कोई प्रॉब्लम नहीं, तो कटता ही रहता है, लेकिन सोचो कि उस आदमी जो काट रहा है हर किसी अकाउंट से, बैंक अकाउंट से, उसके पास हजारों अकाउंट होंगे, अगर वो 1000 अकाउंट से 1 रुपया काट रहा है तो उसका डेली का इनकम कितना होगा। ठीक है, इसलिए इसको सलामी अटैक या हमला कहा गया है। तो जनरली इग्नोरेबल होता है, लेकिन अल्टीमेटली क्राइम मान लिया जाता है। हिडन चार्जेस होते हैं कई बार, वो भी लगा दिए जाते हैं आपसे, वो भी इसी का टाइप है।
फिशिंग। फिशिंग समझ रहे हैं आप? जैसे आपके पास आता होगा ना कि जियो मीट डाउनलोड करेंगे तो आपको क्या होगा, जियो कंपनी कोरोना की किट फ्री दे रही है। आजकल मेरे पास भी एक एसएमएस आ जाया है व्हाट्सएप के थ्रू, है ना, या कैडबरी के 125 ईयर हो गए हैं, आप डाउनलोड करें इसे या कुछ क्वेश्चंस का जवाब दें। तो बेसिकली उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, अपना ईमेल और अपना फोन नंबर वगैरह देना पड़ता है, एक बार बैंक की डिटेल भी देनी पड़ती है। तो आपको लगता है इतना बड़ा ब्रांड फॉल्स काम नहीं करेगा, लेकिन सच ये है कि कोई भी बड़ा ब्रांड इस तरह से अपनी ब्रांडिंग नहीं करता फ्री देने वाले, और कम से कम मैसेज के थ्रू तो नहीं करेगा, ईमेल के थ्रू तो आपसे नहीं करेगा, ठीक है? तो उसे फिशिंग कहा जाता है। जैसे आपके पास बैंक से आता ना कि बैंक लिखता है कि हम कोई एसएमएस या ओटीपी नहीं मांगते हैं, लेकिन कोई कहेगा कि हम आपसे ओटीपी इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि बैंक ने हमको बोला है ना? ठीक है, ये फिशिंग है। यहां तक तो बात समझ आ गई? यस सर। परिणाम आप दिखा सकते हो। परिणामों में क्या क्या दिखाओगे? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, जैसे आर्मी का एग्जाम्पल था, है ना? तो खासकर इन अटैकों से हम लोग सुसाइडल अटेम्प्ट जैसे चीजें भी होती हैं, ठीक है ना? तो प्रभाव में सबसे बड़ा प्रभाव आर्थिक प्रभाव, जान और माल की हानि, ठीक है? समय समय पर अमेरिका और भारत चाइना पर आरोप लगाते हैं कि उनकी गोपनीय जानकारी, सरकारी सूचना चुरा रहा है। व्यक्ति को तो चुरा ही रहा है। इसे एक संदर्भ में आप एग्जांपल दे सकते हो, कौन सा वाला? चाइना के अभी जो ऐप बंद किए हैं, वो हम जानते हैं कि गलवान वैली का रिस्पॉन्स दिया हमने, लेकिन सच जबकि आधार क्या बनाया गया कि वो ऐप हमारी लोगों की यानी नागरिकों की सूचनाओं को हैक करके या सूचना को प्राप्त करके उसका मिसयूज कर रहा था। बात समझना, जबकि हम जानते हैं कि सच क्या था कि हमने गलवान वैली का बदला लेने के लिए सब किया, लेकिन आधार क्या बनाया हमने कि वो हमारे करोड़ों लोगों की सूचनाओं को एकत्र करके उसका कहीं और यूज करेंगे, ठीक है? तो आपके एक व्यक्ति की आर्थिक हानि से लेकर, जैसे मैंने आपको अभी पिछले पैराग्राफ में बताया था, सरकार के विरुद्ध अब हानियां हैं, सरकार को हानि होती है, व्यक्ति को हानि होती है, संपत्ति की हानि होती है, किसी व्यक्ति की इमेज की हानि होती है, प्रतिष्ठा की हानि होती है। तो प्रतिष्ठा की हानि में हम जो पोर्नोग्राफी वाला है, उस तरह की चीजों को हम लोग ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर दिखा पाओगे उसे? इसमें कुछ डेटा मैं आपको दे रहा हूं, वो आप डेटा लिख लेंगे, है ना? 2013 तक भारत ने इस क्राइम से 4,000 अरब डॉलर, 4,000 अरब डॉलर का लॉस झेला है, ठीक है? अगला, ऑनलाइन सुरक्षा फर्म है, ऑनलाइन सुरक्षा एजेंसी है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, और वो कहती है कि भारत विश्व के 5 सर्वाधिक साइबर अपराध प्रभावित देशों में एक है, ठीक है? जबकि एनसीआरबी कहता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, कि भारत में 3 लाख से अधिक साइबर क्राइम होते हैं,
एक अच्छा डेटा और है आपके लिए, आप बता सकते हो कि भारत में 166 टाइप के साइबर क्राइम होते हैं, 166, 166। ठीक है, चलो। तो आपको जो मेहनत करनी है, मैं जानबूझ के इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा हम आपसे भी मेहनत कराना चाह रहे हैं, लेकिन उसी पार्ट पे मेहनत कराना चाह रहे हैं जो हमें उम्मीद है कि आप लोग आसानी से कर सकते हो। तो इसलिए परिणाम वाला टॉपिक आप लोग अच्छे से दिखाएं, युवाओं पर दिखाएं, महिलाओं पर दिखाएं, बच्चों पर दिखाएं, सभी चीजों पर, है ना। तो एरिया वाइज आप चाहें तो उसका हेडिंग मैं आपको हिंट कर देता हूँ, आप लोग उसे यूज कर लेंगे, है ना। जैसे मैंने कहा था देश को हानि है, तो इकोनॉमिक लॉसेस है। इकोनॉमिक लॉस ही नहीं बल्कि साइबर अपराधियों ने किसी शहर के ट्रैफिक सिस्टम को भी हैक कर लिया था, हमने बीच में पढ़ा था कहीं, तो वो प्रभावित करेगा हमें। लाखों करोड़ों के हेर फेर हो जाते हैं, वो पॉसिबल है। टेररिस्ट एक्टिविटीज आएंगी, आप इन्हें दिखा सकते हैं। ऑनलाइन लिटरेचर बहुत है टेररिस्ट का, जो लोगों को इजीली कन्विंस करने के लिए काम आता है, ठीक है। फिर महिलाएं, बच्चे, इनको आप विक्टिम बना सकते हैं इन चीजों का, ठीक है। यहां तक कि मेंटल प्रॉब्लम्स जैसे सुसाइड भी हम कमिट होते हुए देख सकते हैं। कौन सा ऐप चला था सुसाइड के लिए बीच में, इसको बंद किया गया, पबजी जैसे गेम है ना। तो पबजी जैसे गेम क्या कर रहे हैं, ब्रेन वॉश करा रहे हैं आपको, सर। वो ब्लू वेल था। हाँ, ब्लू वेल भी है, बिल्कुल ब्लू वेल भी है, ठीक है। आप लोग एक्टिव हैं, इसका मतलब आप आंसर कर सकते हैं, प्रभाव को देखते हैं, है ना। चलिए, तो अब हम सीधा प्रयासों की ओर बढ़ते हैं कि सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं इन सबको रोकने के लिए। तो आप देखेंगे 2000 में साइबर या आईटी एक्ट पास किया गया था, इनमें से एक दो धाराओं का नाम आप लिख देंगे, ठीक है। स्पेसिफिकली 66 बहुत चर्चा में रही थी, तो इसको आप अच्छे से दिखा सकते हो, है ना। उसके बाद फिर सेकंड ऑप्शन, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा पॉलिसी 2013, इन अपराधों में जो सजा है 2 साल से लेकर उम्र कैद तक की है, और ये पेनल्टी भी लगाई जा सकती है इसमें। इसके अलावा सरकार ने जागरूकता प्रोग्राम भी चलाए, अवेयरनेस प्रोग्राम। तो उपायों में एक तरफ तो कानून बनाना, नंबर एक, नंबर दो में शिक्षा और जागरूकता प्रोग्राम, ये भी लिखेंगे आप अच्छे से। फिर कुछ संस्थाएं बनाई गई हैं, जैसे रिस्पांस टीम बनाई गई है, तो इंस्टीट्यूशनल एफर्ट्स है ये। दूसरी संस्था साइबर हाइजीन सेंटर भी है, इनको भी लिखेंगे हम। ये सब राष्ट्रीय प्रयास है। अपने प्रयासों को आप दो भागों में बांट देंगे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। तो अभी हम राष्ट्रीय प्रयासों की बात कर रहे थे। कुछ प्रयास कोऑर्डिनेशन के लिए किए गए हैं, क्योंकि साइबर क्राइम बिना कोऑर्डिनेशन के नहीं सॉल्व हो सकता, तो कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी था। इस जगह आप उत्तराखंड के एग्जाम्पल भी दे सकते हो, जमीन संबंधी घोटालों को रोकने के लिए और बैंक संबंधी घोटालों को रोकने के लिए क्या है, पुलिस, उत्तराखंड पुलिस ने साइबर सेल एस्टेब्लिश किया हुआ है,
तो थोड़ा सा उसके बारे में दिखाएं। जो साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर है उसके बारे में जानकारी है ये, लेकिन आप पूरी जानकारी ना लिखें, आप इसमें क्या लिखें, केवल एक पोर्टल का नाम दे दें, रिपोर्टिंग पोर्टल है, एक इंक्वायरी भी है ये दिखा दें, और एक फॉरेंसिक लैब है। केवल तीन पॉइंट्स को यहाँ प्रमोट करना है, आप पूरी डिटेल में देने की जरूरत नहीं है। एक पोर्टल, एक इंक्वायरी और एक लैब, ये चीजें बहुत ठीक है। अंतरराष्ट्रीय प्रयासों में देखेंगे तो बुडापेस्ट कन्वेंशन भारत फॉलो कर रहा है इसको, तो केवल नाम लिख के छोड़ देंगे कि भारत ने बुडापेस्ट कन्वेंशन को भी साइन करके फॉलो किया हुआ है, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ग्लोबल क्राइम है इसलिए जरूरत क्या है, ग्लोबल कॉपरेशन की जरूरत है। ठीक है, ये तो आप लोग पढ़ चुके हैं शायद, इसकी आवश्यकता आपको नहीं फिर से। इसके अलावा और लिखिए, आईपीसी में, आईपीसी यानी दंड संहिता, एविडेंस एक्ट साक्ष्य अधिनियम, बैंकिंग अधिनियम जैसे आरबीआई एक्ट में भी संशोधन इसके अनुसार किए गए हैं। आईपीसी, साक्ष्य एविडेंस एक्ट, बैंकिंग एक्ट जैसे आरबीआई एक्ट, इनमें अकॉर्डिंगली चेंजेस या मॉडिफिकेशंस या अमेंडमेंट्स किए गए हैं। ठीक है, अब कुछ निबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ आर्टिकल्स, कुछ पैराग्राफ्स और आप बना लेंगे। एक पैराग्राफ लिखेंगे युवाओं के लेकर, कि ये इसलिए सेंसिटिव है क्योंकि इसको जो ऑर्गेनाइजर हैं, आप अगर इस पर मूवी देखना चाहें तो देख सकते हैं जमताड़ा, मूवी नहीं सीरीज है बेसिकली वो। तो जितने भी इंडिया में बैंकिंग फ्रॉड हो रहे हैं उसमें 90% जमताड़ा से होते हैं, और ये बच्चे आप देखेंगे तो अंडर एज बच्चे हैं, तो उनको लेकर एक पैराग्राफ अलग से लिखना। और उनके लिए इजी इसलिए है क्योंकि वो ऑनलाइन ही सीखते हैं। आप देखेंगे, वो आप जब पढ़ेंगे या देखेंगे उस मूवी सीरीज को, तो उसमें पता लगेगा कि उन्होंने 12th पास बच्चा भी नहीं है, लेकिन सीखा कहाँ से, उन्होंने ऑनलाइन पढ़ के सीख लिया, ऑनलाइन ही पढ़कर ऑनलाइन ही क्राइम कर रहा है। और चूंकि ये केवल एक लैपटॉप से पॉसिबल, एक मोबाइल से हो जाता है, इसलिए इसके लिए किसी स्पेसिफिक सेंटर की आवश्यकता नहीं है। एक कमरे से लेकर घर की छत पर और बस स्टॉप पर भी इसे कंडक्ट किया जा सकता है। तो ये वाला पैराग्राफ थोड़ा सा लिखना जरूर, क्योंकि ये बच्चे अगर आज क्रिमिनल हो रहे हैं तो डेफिनेटली क्या होगा, फ्यूचर के लिए हमें ये नुकसान कर सकते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे थोड़ा सा, जिस तरह से साइबर अपराध बढ़ रहा है तो आने वाले समय में अब बॉम्ब या बंदूक की आवश्यकता नहीं होगी, तोपों की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि कीबोर्ड की आवश्यकता होगी, कीबोर्ड बम की आवश्यकता होगी। क्या शब्द लिखा है, कीबोर्ड बम, बॉम्ब। ठीक है, अंत लिख लें इसका, समापन कर लेंगे, कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंटरनेट और प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, एक मिनट रुकना, कंप्यूटर और इंटरनेट दो सुंदर आंखें हैं, किसकी, टेक्नोलॉजी की।
जिन्होंने जीवन को सरल बनाया और जोड़ा भी, कनेक्ट भी किया है। अगर इन आंखों की खूबसूरती बनाए रखनी है तो हमें इसके नकारात्मक और आपराधिक आयामों को भी नियंत्रित करना होगा। ठीक है, तभी कंप्यूटर कल्याणकारी सिद्ध होगा। ठीक है, आशीष, अवनी, मेघा, यस सर, कोई डाउट? नो सर, बहुत सिंपल सा टॉपिक था, इसलिए बहुत ज्यादा इसमें विश्लेषण की आवश्यकता थी नहीं, या स्पेस भी नहीं बन रहा था कि उतना विश्लेषण किया जाए इसका, है ना? क्योंकि मैंने आपको याद होगा स्टार्टिंग में बोला था, जितने भी टेक्निकल टॉपिक पढ़ेंगे आप ना, उनमें निबंध जैसी फीलिंग आती नहीं है, क्योंकि बहुत ही टेक्निकल है, तो फिर भी हम लोग जबरदस्ती कोशिश कर रहे हैं। ओके, लास्ट एक ऑप्शन में आपको, लेकिन वर्तमान, हाँ बोलो बोलो। हाँ सर, मैं मतलब अभी जैसे माहौल चल रहा है उस हिसाब से सर इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा ना। हाँ, जैसे आज भी अमित शाह जी ने मतलब एक पोर्टल लॉन्च किया है बच्चों और महिलाओं के लिए साइबर अपराध के ऊपर ही, बहुत बढ़िया, तो मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव है। हाँ भाई, आज की दुनिया तो बिना इसके चल ही नहीं रही है ना, तो ये तो हमेशा से रेलेवेंट रहेगा हमारी लाइफ में। हाँ जी सर, है ना? मुझे अभी तक अचानक से क्लिक किया उदाहरण, जो प्रस्तावना हमारी छूट रही थी, चाइनीज ऐप वाला उदाहरण बना सकते हो, रिसेंट है और अच्छा होगा। चाइनीज ऐप को बैन करने के पीछे हम क्या मान के चल रहे थे कि वो ऐप हमारी और हमारे लोगों की प्राइवेसी और देश की संप्रभुता के लिए खतरा थे, तो वो उदाहरण देना। क्लियर है? हाँ जी सर। तो अगर प्रस्तावना में वो एग्जांपल दृश्य बनाओगे तो अच्छा बनेगा, या और कोई दृश्य बेहतर हो तो वो भी बना सकते। मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं, आप अपना आंसर मुझे ईमेल करो, व्हाट्सएप पे नहीं पढ़ा जाता है, मुश्किल होती है मोबाइल में पढ़ना उसको, है ना? तो जो भी लोग अपना चेक कराना चाह रहे हैं वो ईमेल पर ही भेजें। आशीष, तुमने बहुत दिन से नहीं लिखा है, लिखो जल्दी से कोई एक निबंध। सुरेश जी, आपने अभी तक एक भी नहीं लिखा है। जी सर, जी सर, मैं भेजता हूँ सर आपको। इसी को लिखो सुरेश। जी सर। ठीक है, फिर तो क्लास को एंड करते हैं। अगर कल भी सर की क्लास नहीं हो पाई तो फिर हम लोग अपनी क्लास कर लेंगे। ठीक है, कल शिक्षा वाला निबंध करना है तो कल शिक्षा वाला भी देख लेते हैं एक बार। सर, हाँ सर, इंग्लिश ऐसे कब से होंगे? मेरी सर से बात हुई है, उसमें आप लोगों को अपनी राय दे दीजिए कि सीधा निबंध को लिखवा कर आप लोगों को दे दिया जाए और आप रट लो। जी सर, जी यही कर दीजिए, सीधे सीधे रट लेंगे उसे। सर उतना टाइम नहीं हो पा रहा ना कि फिर इधर उधर देखते रहे, इधर उधर ना। बिल्कुल, इसलिए हमने माना कि अब उनको लिखवा के आपको दे दिया जाए तो आप लोग रटते जाओ साथ साथ। जी सर, ठीक है, तो एक आध दिन में मिलना शुरू हो जाएंगे, पूरे वीक के अंदर आ जाएंगे सारे निबंध। ठीक है जी सर, चलो टेक केयर, कल मिलते हैं।